हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई अनस्किल्ड कैटेगरी वीज़ा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। आप सबको बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि अनस्किल्ड कैटेगरी, अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, तो लगभग लगभग जो लेबर वीज़ा है या बोल सकते हैं अनस्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा है, वो इस समय पर आपको नहीं मिल रहा है या बोल सकते हैं एक तरीके से बैन है। तो यहाँ पर जो कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, या मैं खुद शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अनस्किल्ड कैटेगरी के हैं और इन नेशनलिटीज़ के हैं जिसके बारे में मैंने बात की है, फिर भी वो लोग यूएई के लिए आना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। तो दो तीन तरीके हैं जिससे आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपका वीज़ा भी लग सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको फ्री जोन कंपनीज़ में काम करनी होगी। आपको पता है कि यूएई में काफ़ी सारे फ्री जोन एरिया है जहाँ पर आप क्लीनर, हेल्पर, ड्राइवर, मूव एंड पैक हो गया, उसके बाद नॉर्मल पैकिंग हो गया, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारे जो जॉब्स होते हैं ये आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं होती। अगर आप फ्री जोन में करते हैं तो वो सेम ही गवर्नमेंट्स कंपनीज होती हैं मैक्सिमम वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, कोई डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी नहीं है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपके पास फ्री जोन का यानी कि फ्रीलांस वीज़ा होना चाहिए और वहाँ जाके आपको काम खोजना है, और आपको काम मिल जाता है तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी नेशनलिटी के हों। तो इस तरीके से काम खोजा जा सकता है और बहुत लोग जो लोग आ रहे हैं वो लोग इसी वीज़ा में आ रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। सेकेंड तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ये कि यहाँ के जो लोकल्स हैं यानी कि जो अरबी हैं, जिनको हम बोलते हैं यहाँ के सिटीज़न है, यूएई सिटीज़न है, उनके पास वीज़े कोटे होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप उनके घरों में या छोटी मोटी उनकी कंपनी है वहाँ पे आपको काम मिल जाता है। ये भी अनस्किल्ड कैटेगरी का ही आपको बता रही हूँ। टेक्नीशियन जॉब्स हो गए, क्लीनर जॉब्स हो गया, कुक का जॉब हो गया, शेफ़ का हो गया, ड्राइवर का हो गया, ये कुछ ऐसे कैटेगरीज आते हैं जिसके लिए जो यहाँ के अरब्स हैं यानी कि इमराती लोग हैं वो लोग हायर करते हैं, और मैक्सिमम जो है पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों को ये लोग लेकर आते हैं यूएई के अंदर खुद के वीज़ा में। तो अगर ये लोग स्पॉन्सर करते हैं तो यहाँ पे भी स्किल्ड अनस्किल्ड, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें नहीं होते हैं, उनके पास कुछ कोटे होते हैं वीज़ा के, जिससे वो लोग आपको जो है स्पॉन्सर करके यहाँ पर बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके मेन हैं जिससे आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, थर्ड तरीका मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड तरीका जो है वो है थोड़ा ये जो होता है एक्सपेंसिव तरफ होता है, और ये होता है पार्टनर वीज़ा। पार्टनर वीज़ा में एक जो आपका पार्टनर रहेगा वो यहाँ का रहेगा, यूएई का रहेगा, और वो अगर किसी भी काम के लिए पार्टनर सर्च कर रहा है तो फिर वो अपना पार्टनर का जो कोटा है, वीज़ा का कोटा है, वो आपको दे सकता है, और वो एज ए पार्टनर आपको आपके कंट्री से यहाँ पर बुला सकता है। इसमें भी कोई स्किल्ड अनस्किल्ड कैटेगरी नहीं होती है, जस्ट उसके पास, क्योंकि उसने एक कंपनी ओपन की हुई होती है और उसके पास पार्टनर वीज़ा का कोटा होता है, जो कोटा से वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है और आपको यहाँ पर बुलाता है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे टेलरिंग शॉप्स होते हैं, सलोन्स होते हैं, यहाँ पर ना ये लोग यही वीज़ा लिए हुए होते हैं जिससे बाकी कोटे का ये लोग यूज़ कर सके, और जो इनके पास काम करते हैं तो उनको यहाँ पर ये लोग ला सके। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे अनस्किल्ड कैटेगरी जो बैंड सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो यहाँ से अगर आप लोग आना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।